सो दोस्तों, हजारों चैनल हो रहे हैं डिलीट, 100 चैनल बहुत ही ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं और यूट्यूब उसको खुद डिलीट कर रही है। क्यों डिलीट कर रही है ये मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सही सुना आपने, मेरा चैनल भी इसी चक्कर में मरा गया है और फुल्ली डेड हो गया है। डिलीट तो नहीं हुआ, मैंने किसी कारणवश उसको बचा लिया है और यूट्यूब बोल सकते हो कि मुझ पर रहम करके मेरे चैनल को छोड़ दी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको क्या गलती नहीं करनी है, जो गलती मैंने की थी वो गलती तुमको नहीं करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं तुमको लाइव प्रूफ दिखा दूँ। पहले यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे भैया YouTube ने मेरा चैनल तो छोड़ दिया है, बट यहाँ पे उसने मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है। ठीक है, और मेरा चैनल क्यों छोड़ दिया मैं तुमको ये बता देता हूँ पहले। और सेम गलती हर एक बंदे ने की है और हजारों चैनल YouTube पे डिलीट हुए हैं, शॉर्ट्स चैनल। बट मैं क्या करता था, मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों एक ही चैनल पर डालता था, जिसके वजह से YouTube ने देखा कि भाई ये बंदा तो लॉन्ग वीडियो भी डालता है, तो सेम रीजन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट करेंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। ये बात भी सही है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ। तो YouTube ने क्या किया, मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया और उसने क्या दिया, रीयूज कंटेंट नाम से मुझे वार्निंग दी है कि मैंने रीयूज कंटेंट किया है, कंटेंट का रीयूज किया है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो। तो मेरा चैनल क्यों डिलीट नहीं हुआ ये तो तुम समझ गए, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो भी डालता था। बट दोस्तों हजारों चैनल डिलीट हो गए, टर्मिनेट हो गए हैं। अभी तो यार सबसे वायरल हैशटैग यही चल रहा है, शॉर्ट्स चैनल डिलीट। तो शॉर्ट्स चैनल डिलीट क्यों हो रहा है दोस्तों, होता क्या है कि जो गलती मैंने की है सेम है कि सेम गलती और लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल डिलीट हो रहा है। मैं थोड़ा सा भाग्यशाली था कि मैं बच गया, लेकिन तुम नहीं बच पाए होगे मुझे पता है, क्योंकि जो लोग ओनली शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं वो तो फंसे ही फंसे हैं, प्लस मोनेटाइजेशन तो मेरा गया ही है। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मुझे नीचे में लिखा हुआ दिखा, जिसकी वजह से मैं इसको दोबारा अप्लाई करके इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, बट मेहनत लगेगी, कर लूँगा मुझे पता है, कर लूँगा मैं। तुमको ये गलती क्या नहीं करनी है, जो गलती मैंने की और बहुत से लोग कर रहे हैं। दोस्तों जो भी लोग शॉर्ट्स क्रिएट अपडेट करते हैं, दो चार शॉर्ट्स टाइप के शॉर्ट्स चैनल होते हैं, या तो कोई स्पोर्ट्स के वीडियो बनाता है, या तो कोई टैग के वीडियो बनाता है, या फिर कोई फैक्ट के वीडियो बनाता है। तो अब फैक्ट के बनाओ, टैग के बनाओ और मोटिवेशनल बनाओ, तो मोटिवेशनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई भी कोई वीडियो बनाता है जिसमें वो बोलता है, बट फोटो वीडियो कहीं और से उठा के डाल दिया उसने, उसमें अपना आवाज़ दिया, तो ऐसे चैनल पे आ रहा है रीयूज कंटेंट। ओके, तो हुआ क्या कि बहुत से लोग कहीं से भी वीडियो उठा लेते हैं, उसमें अपना आवाज़, आप बहुत बार देखे होंगे आपने कि वीडियो कोई और चल रहा है और उसमें उसने बोल दिया कि ये वीडियो मेरा नहीं है, इसका क्रेडिट मैं किसी और को देता हूँ, और इसमें उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उस वैसे वीडियो पे आ रहा है रीयूज कंटेंट, तो वीडियो तो चल रहा है लेकिन चैनल ख़त्म हो रहा है। एंड अगर चैनल बच भी जाता है तो वो चैनल उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया जा रहा है, रीयूज कंटेंट नाम से उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया जा रहा है। मैंने क्या गलती की थी कि इंस्टाग्राम से मैंने कुछ वीडियो को अपलोड किया था एंड उसको कट वट करके उसको कट किया एंड अपना आवाज़ दिया, एंड क्रिकेट की वीडियो थी तो अपने हिसाब से मैंने उसको बनाया। बट 2-3 महीना चला, 10 मिलियन के आसपास व्यू भी चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रीयूज कंटेंट के नाम से मेरा मोनेटाइजेशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, मेल भी मुझे मिली, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मोनेटाइजेशन ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम अगर बचना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले ये काम करना है कि कहीं तुम्हारा अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, तुम्हारा अपना कंटेंट होना चाहिए। तुम्हारा अपना कंटेंट है तब तुम बचोगे, अपना नहीं है नहीं बचोगे। ठीक है, अगर वीडियो डिलीट भी नहीं किया गया है तो मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देगा। अगर तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगे वीडियो बना के, अर्निंग नहीं होगी तो मोनेटाइजेशन ऑन होना तो ज़रूरी है। तो अगर तुमको इससे बचना है तो मैं तुमको रीयूज कंटेंट पॉलिसी बता देता हूँ। इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, बट सिंपली यहाँ देख सकते हो, रिएक्शन वीडियो वेयर कमेंट ऑन द ओरिजिनल वीडियो, और यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ लिखे मैं, बट इतने बारे में एक ही चीज़ लिखा हुआ है अलग अलग वर्ड में कि तुम किसी और का कॉन्टेंट यूज नहीं कर सकते हो, तुम्हारा अपना होना चाहिए। ठीक है, अब उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग वीडियो यूज करते थे, क्रिकेट का वीडियो उठा लिए या फिर किसी का भी, किसी सेलिब्रिटी का वीडियो उठा लिए, उसको यूज करके उसमें अपना आवाज़ देके वीडियो बनाए, वो क्या करेंगे? तो देखो, बहुत सा ऐसा वेबसाइट है जो तुमको फ्री वीडियो प्रोवाइड कराती है, फ्री इमेज प्रोवाइड कराती है, उसका यूज करो, डाउनलोड नहीं करो। फ्री तुम गूगल में जाकर सर्च करना, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, रॉयल्टी फ्री वीडियो, तुम आ जाएगा तुम्हारा, और तुम उसका यूज करके वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंस्टाग्राम यूट्यूब यहाँ सबसे अगर डाउनलोड करके डालते हो तो आज ना कल मेरा वाला हाल तुम्हारा होगा। इससे बच जाओ और जितने जल्दी हो सके समझ जाओ। मैं तो अब अपने हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ और लगभग अब मैं कहीं से डाउनलोड करना छोड़ दिया हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि
प्रॉब्लम मेरी क्या आई और आपको कैसे बचना है। आपका ओरिजिनल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं करना है, तभी आप बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।